नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरुधरा न्यूज। बात करते हैं राजस्थान की 10 बड़ी खबरों पर। गहलोत पायलट समर्थकों को अंतिम चेतावनी, बोले तो पद से हटेंगे। हाईकमान ने बयानबाज नेताओं की लिस्ट मांगी, पीसीसी अध्यक्ष देंगे रिपोर्ट। गहलोत का भाजपा पर हमला, बोले 8 उपचुनाव में 6 कांग्रेस जीत चुकी है, भाजपा की जमानत जब्त हो चुकी है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय है। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का प्रयास, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सैदीन को लिया हिरासत में। संविदा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सरदारसर में कांग्रेस के खिलाफ करेंगे प्रचार, सरकार ने मांगे नहीं मानी तो राहुल गांधी को करेंगे सरकार की शिकायत। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने खोला कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा, राहुल गांधी को सौंपेंगे मांग पत्र, 9 फरवरी से सरकार के खिलाफ देश भर में करेंगे जनचेतना यात्रा। राजस्थान की तर्ज पर 1.5 करोड़ कर्मचारी मांगेंगे ओपीएस, 8 दिसंबर को देश भर के सरकारी कर्मचारी करेंगे दिल्ली कूच, जंतर मंतर पर देंगे धरना। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत निचले स्तर पर, भारत में 14 रुपये सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। दूसरी तिमाही में धीमी हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार, जुलाई सितंबर तिमाही में 6.3% रही जीडीपी, पहली तिमाही में 13.5% रही थी जीडीपी। बारिश के कारण भारत न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच हुआ रद्द, न्यूजीलैंड ने 1-0 से सीरीज किए अपने नाम। 23 दिसंबर को भरतपुर में किसान मजदूर रैली करेगी आरएलडी, राष्ट्रीय महासचिव त्यागी बोले बीजेपी बहुत झूठी पार्टी,